तो आज का टॉपिक है नेवर शेयर वीडियो। वीडियो के थंबनेल पर देखकर ही आपको समझ आ गया होगा, तुम एक नया यूट्यूब चैनल बनाते हो और सबकी एक ही नीच होती है कि चैनल को फास्ट ग्रो करना है और वो भी बहुत जल्दी। यार एक लॉजिकल सी बात है कि चैनल भी नया है और सब्सक्राइब भी कोई नहीं है और व्यूज़ भी कोई नहीं है, तो क्या करें? अगर तुम दुनिया की सबसे अच्छी वीडियो भी डाल दोगे ना अपने चैनल पर तो भी नहीं व्यू आएंगे, तो क्या करें? तो आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है, वीडियो को शेयर करना है। तो आज का टॉपिक भी यही है कि नेवर शेयर वीडियो, क्योंकि इससे आपके चैनल का डेड होने की संभावना बढ़ जाती है और आपके चैनल की ग्रोथ रुक जाती है। तो भाई करें भी क्या करें, रुक जाओ अभी बताता हूँ, पहले ये देखो। हेलो गाइस, वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल और आप सब स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तुम सोचते हो कि स्टार्टिंग के व्यू कैसे लाएं और तुम अपनी वीडियो को शेयर करने लग जाते हो ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड के पास, अपने रिलेटिव के पास और सबके पास अपनी वीडियो को शेयर करने लग जाते हो और फीलिंग गुड, आपको अच्छा लगता है कि हमारी वीडियो को लोग देखेंगे, वॉच करेंगे और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। रुको अभी बताता हूँ। तुम्हारा चैनल शेयर करने से ग्रो नहीं होगा लेकिन डेड जरूर हो जाएगा। लेकिन तुम तो सोचते हो कि शेयर करने से व्यूज आते हैं। रुको, आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ कि वीडियो शेयर करने से चैनल डेड क्यों हो जाता है। रीज़न नंबर वन, मेरे दोस्त ने एक चैनल बनाया था जो कि लगभग 3 दिन में ही ग्रो हो गया था। उसने अपनी वीडियो को मतलब बहुत सारा अपने फ्रेंड्स के पास, ग्रुप के पास, अपने रिलेटिव के पास शेयर तो कर दिया और उसके अच्छे खासे व्यूज़ भी आ गए। उसके 5000 व्यूज़ और लगभग 500 सब्सक्राइब तो आ गए, वो बहुत खुश था। लेकिन आज भी उसका चैनल 500 सब्सक्राइब पे ही अटका है, बिकॉज फेक होप। अगर हम कोई काम करते हैं और उसका रिज़ल्ट हमें अच्छा मिलता है तो हम डीमोटिवेट नहीं होते और उस काम को हम ज़्यादा से ज़्यादा करने की जो है इच्छा रखते हैं और उसे हम रेगुलर करते हैं। यही रीज़न है न्यू चैनल का, क्योंकि हमें काम कम करना पड़ता है और हमें रिज़ल्ट जो है बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि हम अपनी वीडियो को शेयर कर देते हैं, तो इसलिए हमें अपनी वीडियो को शेयर नहीं करना है। और दूसरा रीज़न है आपकी वीडियो का CTR और वॉच टाइम, आपकी वीडियो पर कितने क्लिक हो रहे हैं और आपकी वीडियो को कितने लोगों तक पहुंचाया गया है और आपकी वीडियो को कितने लोगों ने देखा है, इसे वॉच टाइम किया जाता है। CTR और वॉच टाइम जितना ही ज़्यादा होगा उतने ही चैनल की ग्रो के लिए अच्छा होगा, लेकिन शेयर करने से आपकी वीडियो का CTR और वॉच टाइम काउंट जो है काउंट होने से कम हो जाता है, मतलब वो आपका चैनल ग्रो होने में रुकावट पैदा करता है। लोगों की एक ही नीच होती है कि जितने व्यू आएंगे उतना ही ज़्यादा पैसा मिलेगा। भाई एक कमेंट तो बनता है, उनको पता ही नहीं है कि वॉच टाइम, कंटेंट टाइप, RPM और CPM और CTR क्या है, इसलिए नेवर शेयर वीडियो। मान लीजिए आपने एक वीडियो बनाई है हाउ टू ग्रो गेमिंग चैनल, उस वीडियो को आपने सभी ग्रुप में शेयर कर दिया, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दिया और बोल दिया लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तुम्हें एक पोटेंशियल ऑडियंस की ज़रूरत होगी और मैं ये आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। उन सब ने तुम्हारी वीडियो को देखा, लाइक किया, कमेंट किया और शेयर भी किया, लेकिन उनका वो इंटरेस्ट नहीं है। इससे तुम्हारे सब्सक्राइब तो बढ़ जाएंगे और व्यूज़ भी आ जाएंगे, लेकिन तुम्हारा चैनल होली होली से डेड हो जाएगा। चलो भाई मान भी लेते हैं, अगर तुम्हारे फ्रेंड्स ने और कुछ ग्रुप से भी आपको सब्सक्राइब कर भी दिया और तुम खुश हो कि तुम्हारे 100 सब्सक्राइब बढ़ गए हैं, लेकिन उनमें से तुम्हारे एक्टिव सब्सक्राइब कौन हैं? वो एक्टिव सब्सक्राइब कहाँ से आएंगे? तुमने भी कितने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, लेकिन तुम सभी की वीडियो देखते हो क्या? इसी को डेड सब्सक्राइब कहते हैं। जब आप अपने फ्रेंड के पास वीडियो शेयर करते हो तो उसे एक क्यूरियोसिटी होती है कि भाई देखें तो सही इसने बनाया क्या है, और जब आपकी वीडियो को वो ओपन करता है तो ओपन करके ही आपकी वीडियो को थोड़ा सा वॉच करता है और उसको बंद कर देता है, और भाई नुकसान तो हमारा ही है ना कि हमारी वीडियो उसने पूरी भी नहीं देखी और बीच में छोड़ के चला गया, तो नुकसान होगा ना। तुम उसे बोलकर लाइक भी करवा लोगे, सब्सक्राइब भी करवा लोगे, कमेंट भी करवा लोगे,
तो इसका क्या फ़ायदा जब वो आपकी वीडियो को पूरा वॉच ही नहीं करेगा। तो नुकसान तो होगा ना तुम्हारा भाई, तुम खुश हो कि तुम्हारे 500 सब्सक्राइबर हो गए हैं, लेकिन तुम्हारी वीडियो का वॉच टाइम और CTR डाउन चला गया है और इसका नुकसान तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। उनको तुम्हारी वीडियो में इंटरेस्ट ही नहीं है भाई, बिकॉज दे आर नॉट पोटेंशियल ऑडियंस। तो हम क्या करें, क्या वीडियो को शेयर करना बंद कर दें? तो वीडियो को शेयर करने का सही तरीका क्या है जिससे व्यूज़ आएँ, सब्सक्राइब आए और चैनल जल्दी से फास्ट ग्रो हो? वॉच नेक्स्ट वीडियो, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए।